하면서 니들 오기만 기다리고 있었는데. कहानी शुरू होती है एक पागल खाने से, जहाँ पर ग्लोमी नाम की एक लड़की रहा करती थी। डॉक्टर उसे कुछ सवाल कर रही थी, लेकिन वो अपने शौक के कारण कुछ नहीं कह पाती है। डॉक्टर ग्लोमी को उसकी फैमिली फोटो दिखाकर उस घटना के बारे में बताने के लिए कहता है, जिसके कारण वो आज इस पागल खाने में है। लेकिन ग्लोमी तब भी कुछ नहीं बताती है। अब अगले दिन ग्लोमी पागल खाने से डिस्चार्ज होके अपने घर वापस आती है, और उसके साथ में उसकी छोटी बहन क्यूटी और उसके पिता भी थे। और उस टाइम दोनों बहन घर में ना जाके पास में एक लेक में जाता है टाइम स्पेंड करने के लिए। फिर समय बीतता है और दोनों घर के अंदर जाती है, और वहाँ पर उनको उनके स्टेप मॉम मिलती है। स्टेप मॉम उनसे बातें करना चाहती थी, लेकिन वो दोनों उनको इग्नोर करके अपने रूम में चले जाती है। अब रूम में आके ग्लोमी अपनी चीजों को अनपैक कर रही थी, लेकिन तब भी वो नोटिस करती है कि उसकी जैसे सेम चीजें ही उसकी टेबल में रखी हुई है। अब रात के समय पूरी फैमिली डिनर कर रही थी और कोई भी किसी से कुछ नहीं कहता है। तभी उनके स्टेप मॉम ही उनके अंकल और आंट के बारे में बोलती है, जिनको उन्होंने कल शाम खाने के लिए बुलाया है। तब ग्लोमी अपने स्टेप मॉम से उसकी परमिशन के बिना उसके चीजों को हाथ लगाने के बारे में बोलता है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम के मुताबिक उसने किसी भी चीजों को हाथ नहीं लगाया है। ग्लोमी उससे कोई बहस नहीं करती है और अपने रूम में चली जाती है, और उसके साथ उसकी बहन भी चली जाती है। अब ग्लोमी क्यूटी से पूछती है कि क्या स्टेप मॉम तुम्हें परेशान करती है, लेकिन क्यूटी उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताती है। अब रात होने लगती है और क्यूटी को कुछ अजीब सी महसूस होने लगती है, और उसे अपने दरवाजे पर किसी औरत का हाथ नजर आती है, और वो डर के ग्लोमी के रूम में चली जाती है और उसे ये सारी बातें बताती है। ग्लोमी क्यूटी के रूम चेक करने जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। और अपने फादर को सोफे में सोता हुआ देखकर वो उनके ऊपर एक ब्लैंकेट डालती है, और तभी वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम आके उसको जगाने के लिए मना करती है, और दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और ग्लोमी अपने रूम में क्यूटी के पास आके सो जाती है। अब रात में ग्लोमी को अपने माँ की खुनसी लथपथ हाथ और अलमारी के नीचे कोई फंसा हुआ है ऐसा सपना दिखता है, और जब उसके आंखें खुलती है तो उसे अपने रूम में एक लंबी बाल वाली औरत नजर आती है, और वो औरत उसके पास आ रही थी, जिस वजह से ग्लोमी बहुत ही डर जाती है, और वो उस औरत का पीरियड हो रहा है ऐसा नोटिस करती है। लेकिन ये भी ग्लोमी का एक सपना ही था। अब सुबह होने के बाद घर में एक अजीब बात होती है, ग्लोमी क्यूटी और उसकी स्टेप मदर इन तीनों को ही पीरियड आ जाती है। और उसी दिन फैमिली फोटो देखते हुए ग्लोमी को पता चलता है कि उनकी स्टेप मॉम एक नर्स भी थी, जो कि उसकी बीमार माँ का ख्याल रखा करती थी, और स्टेप मॉम के आने के कुछ दिन बाद ही उसकी असली माँ की मौत हो गई थी। दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ की चीजों को देखने लगती है, और तब ग्लोमी क्यूटी के हाथ पे कुछ चोट का निशान देखती है। क्यूटी से पूछने पर भी जब वो जवाब नहीं दे रही थी तो ग्लोमी उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर क्यूटी अपने रूम में चली जाती है। अब इसके बारे में ग्लोमी अपनी स्टेप मॉम से बात करने के लिए जाती है, लेकिन स्टेप मॉम क्यूटी से माफी मांगने को इनकार कर देती है, और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और ये सब उनके पिता दूसरे रूम में बैठे सुन रहे थे, और वो ग्लोमी को समझाने के लिए जाती है, लेकिन ग्लोमी उनकी कोई भी बातों को नहीं मानती है। अब रात में अंकल और आंटी डिनर करने के लिए आती है। अब डिनर करते टाइम कोई किसी से बातें नहीं करता है, तब उनके स्टेप मॉम वाकई माहौल को हल्का करने के लिए यहाँ वहाँ के बातें करने लगती है, लेकिन इनसे सभी अनकम्फर्टेबल हो रहे थे, और अचानक आंटी को मिर्गी का अटैक आने लगता है। अंकल और उनके पिता उन्हें संभाल रहे थे, लेकिन उनकी स्टेप मदर दूर खड़ी होकर बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाती है। फिर किसी तरह आंटी की हालत सही होती है, और वो दोनों घर में वापस आने लगती है। अब रास्ते में आंटी अंकल को एक भयानक लड़की के बारे में बताने लगती है, जिसने कि उसे किचन की कैबिनेट के नीचे देखा था। अब यहाँ पर किचन में स्टेप मॉम को घर में कोई होने की महसूस होती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है, और तभी उसे वहाँ पर एक हेयर क्लिप नजर आती है, और जब वो उसे उठाने जाती है तब उसे कौन से लथपथ हाथ पकड़ लेती है। फिर वो डर के वहाँ से भाग जाती है और जाके अपने पति को इस बारे में बोलती है, लेकिन वो इस बातों में यकीन नहीं करता है। अब यहाँ पे सिंकार होता है। अब रात में उनके पिता स्टेप मॉम की बर्ड को मरा हुआ पाता है, और स्टेप मॉम भी मरा हुआ बर्ड को देख के गुस्से में क्यूटी के रूम में जाके उसको बेड से उठाती है, पर वहाँ पर वो वही मरा हुआ बर्ड और उसकी कुछ फाड़ी हुई फोटो देखती है। फिर वो गुस्से में क्यूटी को अलमारी में बंद कर देती है। ग्लोमी को अपने रूम में ये सब आवाज सुनाई देती है, और स्टेप मॉम को क्यूटी के रूम से निकलता हुआ देखकर ग्लोमी फौरन क्यूटी के रूम में जाती है, और वहाँ पे रूम के
की सारी चीजें बिखरी हुई थी और अलमारी को खोलते ही उसे क्यूटी नजर आती है जो कि डरी हुई थी। फिर उनके पिता ग्लोमी से उसकी अजीब हरकत के बारे में पूछती है, लेकिन ग्लोमी उसकी पिता की इस बात पर नाराज होती है कि उनको ये क्यों नहीं नजर आता कि उसकी स्टेप मॉम क्यूटी पर अजीब बिहेवियर कर रही थी। और उसके पिता ये सब बातें सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और उसको ये सब बातें कहने के लिए ना कर देती है। और उसके पिता उसको ये भी बोलता है कि क्यूटी बहुत पहले ही मर गई है, लेकिन ग्लोमी इस बात को सच नहीं मानती थी। सीन कट होता है और अगले दिन उसके पिता किसी को घर में बुलाती है। कुछ टाइम के बाद में उसकी स्टेप मॉम एक बैग को घर के अंदर लेके जाती है और एक लकड़ी से उस बैग को मारने लगती है। दूसरी तरफ ग्लोमी को उसके पिता का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कुछ जरूरी काम करने के बाद में वो घर में वापस आएगा। और तभी उसे क्यूटी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जब दूसरे कमरे में जाती है तो उसे वहाँ के फ्लोर पर खून नजर आती है और पास में ही वो बैग खून से लथपथ था। वो उस बैग को खोलना चाहती थी लेकिन वो उस बैग को खोल नहीं पाती है। फिर वो किचन में जाती है एक चाकू लेने के लिए और अचानक से उसे एक विजन आता है जहाँ पर वो खुद ही उस बैग को मार रही थी। फिर से वो उसी जगह पर आती है जहाँ पर उसे बैग गायब मिलता है। फिर जब वो अलमारी खोलता है तो उसे वो बैग मिलता है। ग्लोमी जब किचन में आती है तो उसके स्टेप मॉम उसके ऊपर गर्म पानी डालने वाली थी, लेकिन ग्लोमी किसी तरह खुद को बचा लेती है और एक कैची से अपने स्टेप मॉम के ऊपर अटैक कर देती है। फिर दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और तभी ग्लोमी एक दीवार से टकरा के बेहोश हो जाती है। तब स्टेप मॉम उसे घसीट कर लिविंग रूम में ले जाती है। वो उसे मारने ही वाली थी लेकिन उसके पिता के आने की वजह से वो उसे वहां पे छोड़ के चली जाती है। फिर उसके पिता आके देखती है कि ग्लोमी बेहोश है और आसपास मूर्ति के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसके पिता फिर ग्लोमी को रूम के अंदर लाती है। फिर वो अलमारी के अंदर एक बैग में एक डॉल को देखता है। अब वो लिविंग रूम में आके ग्लोमी के स्टेप मदर यानी कि उनकी वाइफ उसे मेडिसिन देकर ये कहता है कि ये सब लड़ाई वो घर पे बंद कर दे। फिर वो रूम में चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद में स्टेप मॉम देखती है कि रूम में वही अंदर आई है, लेकिन वहाँ पर असल में स्टेप मॉम थी ही नहीं, वहाँ तो ग्लोमी बैठी हुई थी। अब कहानी फिर से पास्ट में आती है जहाँ पर दोनों बहन की रियल माँ को और उसके स्टेप मॉम की अफेयर के बारे में पता चलता है, जिसे जानकर वो अलमारी के अंदर सुसाइड कर लेती है। क्यूटी ये देखकर अपने माँ को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन अलमारी उसी के ऊपर गिर जाती है और क्यूटी वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है और मदद भी मांगती है। फिर स्टेप मॉम ये सब देख लेती है लेकिन वो उनकी मदद नहीं करती है और तभी ग्लोमी उसको देखकर घर से निकल जाने के लिए कहती है और घर पे वापस आने से मना करती है। तब उसकी स्टेप मॉम ग्लोमी को बताती है कि उसे उसका ये बिहेवियर बहुत महंगा पड़ेगा। फिर ग्लोमी घर से बाहर चली जाती है और इधर उसकी बहन की मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में ग्लोमी एक हॉस्पिटल में थी और उसकी स्टेप मॉम उससे मिलने आई थी। वो जोर से स्टेप मॉम का हाथ पकड़ती है लेकिन वो डर के मारे अपने पति के पास आ जाती है। फिर दोनों घर में वापस आती है और घर पे वापस आने के बाद क्यूटी के आत्मा ने उसके स्टेप मदर और उसके फादर को मार दिया था। और इसी के साथ में ये मूवी यही पर एंड होती है। दोस्तों असल में अपनी बहन और माँ की मौत के बाद ग्लोमी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था और इसकी वजह से वो अपने ऊपर दो पर्सनैलिटी बना ली थी, एक उसकी बहन की पर्सनैलिटी और एक उसके स्टेप मदर की। और इसलिए उसके फादर उसको बोल रहे थे कि क्यूटी मर चुकी है और उसकी स्टेप मॉम थी ही नहीं और वो उसकी खुद की ही पर्सनैलिटी थी। और वो जब घर में भूत को देखा था वो उसकी बहन थी।